हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। एंड आज गेम है राजस्थान वर्सेस बैंगलोर। बहुत ही बड़ा गेम है रैरियो पर भी, क्योंकि ये है मेगा मैच। इस गेम में 80 लाख के रिवॉर्ड सिर्फ रैरियो पर, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे आज होगा बहुत बड़ा प्राइज, नॉट ओनली ब्रॉन्ज में बट सिल्वर कॉन्टेस्ट में भी। तो चलते हैं मैच की तरफ। यहाँ आपको दिख रहा है कि ब्रॉन्ज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज है 3.2 लाख का, एंड सिल्वर में 1 लाख का फर्स्ट प्राइज। आपको क्या करना है, सिंपली आप बाय सेक्शन में जाओगे एंड आपको मिल जाएंगे ये दोनों टीम्स के पैक्स। तो यहाँ पे ये पैक्स करेंटली लाइव है। अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करोगे 1600 साइन अप बोनस भी मिलेगा, एंड साथ साथ में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इन पैक्स पे। एंड याद रखना, अगर आपका गेम खराब भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कार्ड्स आप आगे यूज कर सकते हो बार बार, कोई लिमिट नहीं है इन पे, नॉट ओनली आईपीएल में बट इवन इन इंटरनेशनल मैचेस। तो ये मौका मत मिस करना, क्योंकि ये लाइव है करंटली रैरियो पे। एंड पिक्स तो मैं बता ही दूंगा फाइनल टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ये हुई हमारी आज रैरियो की बात, एंड अब चलते हैं फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। निखिल भाई, हाउ यू डूइंग एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम टुडे? यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन एंड ग्लैड वापस हम चुप्पी से शुरू नहीं हुए और म्यूट बटन नहीं रखा था। बट कुछ मैचेस अच्छे गए हैं, जहाँ पे आपको मैचेस ने बताया है कि फॉर्म से मस्ती मत करो, जो फॉर्म में है उसी को बैक करो, टीम को मस्ती करने दो, तुम मत मस्ती करो। यस, एब्सोल्युटली यही रहेगा हमारा आज का भी फॉर्मूला। तो चलते हैं डायरेक्टली आज पिच कंडीशंस की तरफ। तो ये रहे सवाई मानसिंह स्टेडियम के ग्राउंड डायमेंशंस, बट एक जो चीज यहाँ पर स्टैंड आउट की है कि लास्ट कुछ गेम्स में यहाँ पे स्पिन को मदद मिली है, एंड उसी हिसाब से बनाएंगे हमारी आज की टीम। दोनों टीम्स में है कुछ अच्छे स्पिनर्स। निखिल भाई, क्या लगता है आपको, वापस स्पिन टू विन? हाँ बिल्कुल, पिच रिपोर्ट बहुत बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि जयपुर में हमने देखा है दो तरीके की पिचेस हैं, एक जो स्लो लो है और एक जो हाई स्कोरिंग है। तो मुझे लगता नहीं आरसीबी के खिलाफ आपको हाई स्कोरिंग पिच चाहिए, यूड वॉन्ट द लो स्कोरिंग वन, बिकॉज देन यू कुड प्ले थ्री स्पिनर्स एंड देन रियली कंट्रोल द गेम। तो वेरी इंटरेस्टेड टू सी पिच रिपोर्ट पे क्या आता है। पर उसके अलावा भी आपको पता है कि देखो आरसीबी के गेम्स कभी कभी उस मामले में इजी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो तीन प्लेयर तो लेने ही, और चौथा प्लेयर अगर आपको लगता है कि नए बॉल से विकेट जाएंगे तो उसको लो, नहीं तो उसको मत लो। तो इन दैट सेंस थोड़ा इजी हो जाता है। इट्स ऑल्सो ग्रेट वे टू फाइंड डिफरेंशियल्स कि भाई अगर पिच पे होल्ड है तो लॉन्ग रन पिछले गेम में नहीं खेला था, हसरंगा को 2 विकेट ली थी पर पड़ी थी, तो क्या करण शर्मा को वापस लेके आएंगे, क्या अनुज रावत वापस नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। तो ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको रोटेट करने के लिए आपके टीम में। और राजस्थान का भी हालत थोड़ा सेम ही है, आपको पता है कि जो टॉप 3 है वही बड़ा स्कोर कर रहे हैं। तो अगेन इन दैट सेंस थोड़ी कॉमन टीम दिखेगी, पर क्योंकि पिच रिपोर्ट पिच अलग अलग हो सकता है तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। यस, तो यही रहेगा। एम स्टार्ट करेंगे बेस टीम के साथ एंड फिर ढूंढेंगे हमारे आज के डिफरेंशियल्स। सो बेस टीम एंड स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस है सैमसन और बटलर। दोनों ठीक ठाक टच में लगे हैं लास्ट कुछ गेम्स में, तो ऑब्वियसली दोनों आपकी टीम में रहेंगे। वाइल बैटिंग सेक्शन में भी तीनों ऑब्वियस चॉइसेस, तीनों फॉर्म में रहे हैं, फैफ, यशस्वी एंड विराट। तो सर, बहुत सारे फॉर्म प्लेयर्स तो डिस्कशन का कोई आईना नहीं, बट क्या आपको लगता है लॉ ऑफ एवरेजेस किधर कैचअप कर जाए इन पांचों में से? नहीं यार, इनको लॉ ऑफ एवरेज कैचअप करके भी लोग 20-30 तो मार ही देते हैं यार। और इनके जो देखो लॉ ऑफ एवरेज का आप कब यूज कर सकते हो पता है, जब दूसरा कोई ऑप्शन हो जिस पे आप भरोसा कर सकते, लॉन्ग रोर, पार्टिकल, हेटमायर, कोई भी नहीं चले एक गेम में, चले वो लोग 4 में, हेटमायर का फॉर्म एकदम डिप हो गया। तो फिर वैसा लॉ ऑफ एवरेज में मस्ती करके पॉइंट नहीं, क्योंकि ये जो दोनों हैं फाफ और विराट वो कैचेस भी बहुत लेते हैं, तो वो भी क्यों मैं 20-25 पॉइंट छोड़ दूं जब मुझे पता है कि भाई उतने पॉइंट शायद दूसरे दूसरा बंदा मेरे को बैटिंग से भी ना दे। तो आई थिंक यहाँ पे फिर डिबेट करके, मतलब हाँ ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो उधर तो भाई आप बोल्ड को कैप्टन बनाओ, दोनों को वापिस निकाल दो, तो दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। पर स्मॉल लीग टीम में तो आई डोंट थिंक इनको ड्रॉप करके कोई मस्ती करके मतलब है। यस, एंड कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, संदीप शर्मा आउट कर चुके हैं 7 बार विराट कोहली को, बट ऑब्वियसली वो पिचेस पे थोड़ी हेल्प थी अप फ्रंट। अगर हम कह रहे हैं कि पिच स्लो है तो मे बी वो हेल्प उन्हें ना मिले,
वाइल ट्रेंट बोल्ट 3 बार आउट कर चुके हैं फैफ डुप्लेसी को, एंड विराट को भी लास्ट गेम में पहले ओवर में आउट करके गए थे। तो जीएल में कुछ ऑप्शन है आपके लिए, जैसे निखिल भाई ने कहा ओपन है, वाइल ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्सवेल, हसरंगा एंड अश्विन वापस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस है। अगर पिच में हेल्प रही तो अश्विन को बनाए रखेंगे, अदरवाइज में भी निकाल सकते हैं क्योंकि सामने काफी राइट हैंडर्स है। तो कितना वाइल मौका पूरा मिलेगा, कितना विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी होगा वो एक देखने लायक बात रहेगी। एंड मैक्सवेल का भी मैचअप है इस गेम में चहल के सामने, एंड ये मैचअप एक्चुअली में भी एक्टिवेट हो जाए बेस्ड ऑन द ट्रैक। 3 बार एटलीस्ट डोमेस्टिक T20 में आउट हो चुके हैं, एंड 47 runs 38 balls, तो अच्छा मौका है यहाँ पे चहल के लिए टू टेक द वुड ओवर हिम। बिल्कुल। और एक और चीज याद रखो, मैक्सवेल के साथ जो रिस्क रहता है हमेशा वो है कि वो टीम भी नहीं खेल रहा है, मतलब ऑफकोर्स बहुत दो टीम भी नहीं खेलते, पर वो पहले बॉल से रिस्क ले लेता है अगर स्टार्ट मिल गई है तो उस सिनेरियो में जैसा मेरे साथ हुआ है, जब मैंने 2 बार बंदे को कैप्टन बनाया है भाई साहब गोल्डन टक दे के चले गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसेस था वो गलत था। अब आप अगर हाई स्कोरिंग वेन्यू पे मैक्सवेल पे रिस्क लेंगे तो वो वर्थ है, जैसा हमने चेन्नई वाले गेम में देखा, जैसा हमने वानखेड़े में भी देखा, पर वही है कि कभी कभी इट विल गो दी अदर वे एज वेल, क्योंकि दैट इज हाउ द काइंड ऑफ प्लेयर इज। तो अगर उसके सामने चहल आया और अगर स्कोर बड़ा है तो भी वो उसे अटैक करेगा, और स्कोर छोटा है तो भी वो उसे अटैक करे, तो दैट इज द रिस्क दैट यू विल ऑलवेज रन विद मैक्सी, बट अगेन वर्थ द रिस्क अगर आपको रिवॉर्ड सामने उतना बड़ा मिलता है तो। यस, एंड बिफोर मूविंग टू ऑलराउंडर्स द मोस्ट फेमस मैचअप ऑफ द डे, हसरंगा 6 बार आउट कर चुके हैं संजू सैमसन को। एंड याद रखिएगा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे रिस्क लेना थोड़ा और सेफ बन जाता है, लाइक मैक्सवेल, सैमसन को, क्योंकि वो आके पहले बॉल से मारने की कोशिश करेंगे जब वो सिचुएशन में, तो तब विकेट जाने का चांस हायर है। वर्सेस बटलर, कोहली, फैफ, इन वो वैसे नहीं खेलते, वो पहले 15-20 रन का बैंक बनाते हैं फिर वो जाके हिट करते हैं। तो जब आप रिस्क ले रहे हो ट्राई टू रोटेट दोस प्लेयर्स जो ज्यादा अटैकिंगली खेलते हैं स्टार्ट से, वर्सेस दोस हु प्ले सेफर फ्रॉम द स्टार्ट। वाइल बोलिंग सेक्शन में हम गए हैं चहल, बोल्ट एंड जॉश हेजलवुड के साथ, काफी सेफ चॉइसेस हैं। एंड मोहम्मद सिराज, जैसे सर ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि ट्रैक से मदद होगी अप फ्रंट तो फिर आप उन्हें भी पिक कर सकते हो, टोटली डिपेंडिंग ऑन योर कॉल, क्योंकि जैसा जायसवाल और बटलर का फॉर्म चल रहा है अगर ट्रैक से मदद नहीं हुई तो मे भी वो विकेट ना दे। और इसी केस में देन यू हैव टू बी वेरी श्योर के एंड ओवर्स में कौन डाल रहा है, क्योंकि राजस्थान जैसी टीम है जिसने गिवन अवे विकेट्स टू यू इन बंचेस, तो यू हैव टू बी वेरी, अगर आप स्मार्टली सोचेंगे अगर चलो सिराज जिधर है तो वो एंड में हमेशा 2 नहीं डाल रहा, तो कभी कभी वो पूरे ओवर में नहीं कर रहा था, अगर फाफ को लगता है कि नहीं यार नहीं, अगर हेल्प नहीं है तो स्पिन के साथ जा सकते हैं, तो चेंजेस देखना एंड फिर यू कैन टेक अ कॉल। आई एक्सपेक्ट मैक्सवेल टू ऑल्सो ओपन द बोलिंग जैसे राणा ने करी थी, एंड जयसवाल विल टेक द रिस्क, क्योंकि जयसवाल का फॉर्म और गेम अवेयरनेस बहुत बढ़िया है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन विजुअलाइज एंड देन टेक अ कॉल। जैसे हमने कहा आपके पास काफ़ी स्पॉट्स है रोटेट करने के लिए, आप अश्विन के स्पॉट पर रोटेट कर सकते हो, जॉश के स्पॉट पर रोटेट कर सकते हो, बोल्ट के स्पॉट पर रोटेट कर सकते हो। जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं कि यार तुमने फाफ विराट को भी लिया और बोल्ट को भी लिया, तो अब Somebody will cancel each other out, but you can't take a risk. अगर आपने विराट को ड्रॉप कर दिया और फाफ पहले आउट हो गया, या आपने फाफ को ड्रॉप कर दिया विराट पहले आउट हो गया, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो स्मॉल लीग में आप शायद एक ज्यादा सेफ्टी बनाओ, बट ग्रैंड लीग में कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल पेट भर के रिस्क लो। यस एब्सोल्युटली, तो ये हो गई हमारी आज की बेस टीम, अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। सर प्लीज। आई थिंक मेरे ग्रैंड लीग ऑप्शंस ऑलरेडी रेडी हैं दोनों बोलिंग सेक्शन में, दोनों अगर पहले बोलिंग करेंगे क्योंकि दो दो तीन तीन ओवर डेथ में डाल रहे हैं हर्षल पटेल, संदीप शर्मा, क्योंकि ये दोनों टीम्स की बैटिंग भी वैसी है कि वो डेथ में ही विकेट दे रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम की डेथ बैटिंग हैज बिन कंसर्न पॉइंट, टॉप ऑर्डर से ही सारे रन आए, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस संदीप या हर्षल, जिन दोनों में से जो भी पहले बोलिंग करे। हाँ बिल्कुल, काफी काफी फेयर ऑप्शन है। मैं आई होप एंड आई विश टू सी अ बटलर स्पेशल, और मेरे को लगता है कि अगर सिराज का नया बॉल खेल जाते हैं वो, तो जॉस बटलर जो 90 मारा था उन्होंने, और वो उसमें दिख रहा था कि भाई ही इज गेटिंग बैक टू हिज टच एंड गेटिंग द शॉट्स राइट, तो एक तो डेफिनेटली जॉस बटलर रहेंगे। हाँ वेन्यू कौन सा, वेन्यू में पिच कौन सा है दैट विल भी इम्पोर्टेंट, अगर हाई स्कोरिंग डेक सॉरी तो मैं जॉस को डेफिनेटली बैक करूंगा,
वरना यू कैन ऑलवेज गो एंड बैक दी ऑलराउंडर्स। और ऑलराउंडर में हमने मैक्सवेल चहल को रखा है, आप हसरंगा और अश्विन को भी ट्राई कर सकते हो इन योर कॉम्बिनेशन, अगेन प्योरली फ्रॉम द सेंस के विकेट अगर स्लो है, स्पिन को मदद है, तो ये लोग स्पिन को डाल के विकेट ले सकते हैं। एंड अश्विन इज बोलिंग आउट मच अर्लियर, तो जब आरसीबी मिडिल ओवर में अटैक कर दिए तब अगर अश्विन डाल रहे हैं तो चांस बनेगा अश्विन को स्ट्राइक करने का। तो अगर रन चाहिए तो बटलर है ऊपर, और क्योंकि आरसीबी से और कोई बैटर है नहीं जिसको हमने कवर नहीं करा, तो अनलेस कोई नया खेल जाता है तो डिफरेंट होगा। पर बॉलिंग सेक्शन से जा रहे हैं तो हसरंगा और अश्विन। यस एब्सोल्युटली, तो ये रहा हमारा आज का फैंटेसी प्रीव्यू, वी होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट। एंड ये हम शूट कर रहे हैं सैटरडे के गेम्स के पहले, तो जर्सी गिव अवे विनर थोड़ा बाद में अनाउंस होगा। एंड जस्ट फॉर फन बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है आज कितने रन मारेंगे विराट कोहली। एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए, लाइक ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहें। And also remember that this game might be financially risky or habit forming. तो संभाल कर खेलिएगा and investment संभाल कर करिएगा। बिल्कुल, टीम जय माता दी जा रही है, आप भी जय माता दी जाओ, पर ध्यान से, please play carefully.